सो हेलो एवरीवन एंड वी आर बैक एंड आज हम लोग फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट। एंड आज मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे तुम अपने एटॉन्स के सर्वर में चीट्स को अलाउड कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपने एटॉन्स का जो सर्वर है माइनक्राफ्ट का उसमें कैसे तुम चीट्स अलाउड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपनी एटॉन्स की जो वेबसाइट है उसके मेन फीड पर आ जाना है, जिस सर्वर में तुम ये चीट्स अलाउड करना चाहते हो उसकी उस सर्वर के मेन फीड में आ जाने। एंड अभी तुमको राइट स्वाइप करना है। राइट स्वाइप करने के बाद यहाँ पर तुमको ऊपर की साइड में सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन के नाम का, तुमको उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे तुम उस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तुमको सिंपली नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ पर तुमको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अलाउड चीट्स के नाम का। तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से तुम्हारा वो ऑप्शन वो ऑफ रहेगा, तुमको सिंपली उस ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो अभी तुम्हारा सारा का सारा काम डन हो चुका है, अभी तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिंपली सर्वर स्टार्ट करके ये देख लेना है कि हो गया नहीं हो गया। अभी मैं देख लेता हूँ, तो फिलहाल के लिए मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया। एंड मैं अभी सर्वर के अंदर जाने वाला हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं आ गया हूँ। एंड यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ /qmi एंड ये सब मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पर मेरे पास देख सकते हो चीट्स अलाउड हो चुकी है, यहाँ पर मेरे पास बैड आ चुका है, तुम देख सकते हो। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।